आज है हमें NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी और यहाँ से हमारी है टॉय ट्रेन जो कि 10 बजे निकलेगी यहाँ से। बस अभी आने वाली है, चलिए मिलते हैं फिर जर्नी पे आपको। ये आ गई अपनी टॉय ट्रेन जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाएगी। बोर्ड के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो ये जो हमारी टॉय ट्रेन है ये रोज़ यहाँ से 10 बजे निकलती है और इसका टाइम जो वहाँ पहुँचाने का है ये करीब है 5:30 का, लगभग करीब 7.5 घंटे लेती है ये वहाँ पहुँचाना। टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 84 किलोमीटर का और इसकी मिनिमम स्पीड 11 किलोमीटर है और मैक्स इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसके रूट पर छोटे छोटे स्टेशन भी दिए गए हैं जहाँ ये ट्रेन 1 या 2 मिनट की रुकती भी है। और देखते ही देखते हमारी टॉय ट्रेन पहुँच चुकी है सिलीगुड़ी टाउन पर। अभी यहाँ पे इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है और इसके बाद आएगा सिलीगुड़ी जंक्शन जहाँ पे इसका हॉल्ट होगा। और हमारी ट्रेन करीब 1 घंटे लेट निकली है, कुछ इंजन में ख़राबी आ गई थी ऐसा बता रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे कितना कवर करती है, उसी लेट टाइम पे ही पहुँचाएगी हमें आगे। इसके जो स्टेशंस हैं वो जहाँ से अभी हम निकले हैं न्यू जलपाईगुड़ी, फिर ये जो क्रॉस हो रहा है सिलीगुड़ी टाउन, फिर आता है सिलीगुड़ी जंक्शन, सुखना, रोंगटोंग, टिंडारिया, गयाबारी, महानदी, कुरसोंग, टोंग और सोनाडा, घूम और फिर लास्ट में आता है दार्जिलिंग जहाँ पे हमारा स्टॉप होगा। और ये हमारी ट्रेन पहुँची है सिलीगुड़ी टाउन पे। स्टेशन देख के तो लगता है काफ़ी पुराना है और मरम्मत तो हुई ही नहीं, गंदगी भी है, कचरा। पंचर हो चुका है सिलीगुड़ी टाउन से, मात्र 2 मिनट के लिए रुकी थी यहाँ पे। अभी मुझे पता नहीं कौन सी नदी है, पर नदी भी नहीं कह सकते, इसमें तो सब गंदा ही पानी भरा हुआ है। यह तो काफ़ी बड़ी पर पानी तो नहीं है, सब गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, लोग अपना रह भी रहे हैं। सही है, पर ये जो ब्रिज पे टॉय ट्रेन क्रॉस करी इसका अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब नॉर्मल ट्रेन जो होती हैं उससे इसका नेक्स्ट लेवल है। अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है सिलीगुड़ी जंक्शन पे और देखिए हमारे साथ साथ ही मेन लाइन भी चल रही है जो अब अलग हो रही है हमारे टॉय ट्रेन के रूट से। और हमारी टॉय ट्रेन का जो यहाँ पे हॉल्ट होगा वो सिर्फ 2 मिनट का होगा। और अभी हम आ गए सिलीगुड़ी जंक्शन पे, हमारे बगल में लोकोमोटिव स्थल है, बगल में ही हमारा जो सिलीगुड़ी जंक्शन है मेन। और ये हमारी जो टॉय ट्रेन है ये उससे थोड़ा सा अलग है, बट इसका छोटा सा प्लेटफॉर्म था एकदम वहाँ पे। और यहाँ हमारी ट्रेन रुकी भी थी 2 मिनट के लिए और आगे भी बता रहे हैं शायद रुकेगी या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं इंजन में टॉय ट्रेन के अपने। और अब यहाँ से हमारी ट्रेन अलग होगी। ये देखिए, ये है मेन स्टेशन जो सिलीगुड़ी जंक्शन का है, मेनली सारे लोग जिनको भी जाना होता है यहीं से डिपार्चर अराइवल होता है। और ये हम लोग काफ़ी दूर आ गए मेन लाइन से। और ये देखिए हमारी ट्रेन कैसे घरों के बगल से होती हुई जा रही है, मतलब क्या ही अलग ही एक्सपीरियंस है ये। ओ भाई, एकदम रोड के बगल से अपनी ट्रेन जा रही है, मतलब जस्ट बगल में हमारे गाड़ियां जा रही हैं और उसके बगल में हमारी ट्रेन, क्या ही
नेक्स्ट लेवल है ये सब। ये रूट और ये ट्रेन एक बार तो सबको कवर करनी चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस इसका अलग है। और ये नज़ारे देख के तो ऐसा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ना, मतलब अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोग शहर पे थे तभी थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा, वही सेम घर वही लोग दिख रहे थे, पर अब ये सब ग्रीनरी देख के, मतलब जंगल है ग्रीनरी है, ये सब एकदम रिफ्रेशिंग सा कर रहा है। ये हमारी टॉय ट्रेन आ चुकी है सुखना जंक्शन, यहाँ पर हॉल्ट है। और यहाँ पे म्यूजियम भी है जो कि अभी हम देखेंगे, अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको भी दिखाते हैं मेरा म्यूजियम। और सॉरी कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए कुछ भी दिखाने के लिए नहीं मिला। और जस्ट अभी हमारा सुखना से डिपार्चर हुआ है और अब हमारी ट्रेन आगे की ओर बढ़ चुकी है। अभी रास्ते में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, वो दिखाएंगे आपको। और अभी हम एंटर करेंगे गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब हमने तो रोड भी छोड़ दी है और अब हमारी ट्रेन जो है वो जंगल के बीच से जा रही है, मतलब एकदम झाड़ियाँ हमारे एकदम पास, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी देखिएगा ये हमारी ट्रेन कैसे रोड क्रॉस करती है, मतलब ये ट्रेन रोड को इस साइड से उस साइड क्रॉस कर रही है। और जब भी ट्रेन क्रॉस होती है तो लोगों को दूर रुकना पड़ता है। अब देखिए कितनी ऊंचाई आ चुके हैं हम लोग, कितना खूबसूरत नजारा है। ये सब देखना बनता है। रोंगटन रेलवे स्टेशन है ट्रेन का और ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगी ट्रेन की जेड क्रॉसिंग। अपनी ट्रेन जेड रिवर्स ले रही, और ये हमारी ट्रेन बैक में जा रही वापस ऊपर की तरफ। और यहाँ से हम चल दिए ऊपर की ओर, और ये इंटर रेलवे की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा सा होता है, इतना खूबसूरत जर्नी। सिंधरिया स्टेशन है, यहाँ पर भी एक और टॉय ट्रेन नीचे की साइड गई अपने यहाँ जमीन पर। चाय मिल रही है, ये अंदर पे वेज मेनू दे रही हैं। और हाँ, आपको IRCTC की तरफ से कोई भी कैटरिंग प्रोवाइड नहीं की जाती इस ट्रेन में। अगर आपको खाना है तो ऐसे ही स्टेशन के पास में ये लोकल वेंडर्स आते रहते हैं और ये आपको सर्व करते रहते हैं, जैसे मोमोज हो गए, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, बाकी सब कुछ। और ये देखिए महानदी से निकलते ही हम लोग को फॉग मिलना स्टार्ट हो चुका है।
तो अभी हम आ पहुँचे हैं कुशाओं और हमें अब यहाँ से शायद 2 घंटे लगेंगे दार्जिलिंग के लिए और हमारी ट्रेन यहाँ 4 बजे आई है। अरे भीड़ देखिए कितने पुराने हैं, कितने ऊँचे। ये पहुँचे हम टूंग, यहाँ भी 1 मिनट का हॉल। अब हम आ पहुंचे हैं घूम, टॉय ट्रेन का ये स्टेशन। अब इसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग, जो कि शायद आधे घंटे में पूरा होगा। अच्छा खासा स्टेशन है, म्यूजियम घूम के आते हैं, देखते हैं क्या है। काफी पहले का मॉडल लग रहा है। ये हमारी टॉय ट्रेन जो घूम पहुंच चुकी है, उसके पास इधर दार्जिलिंग और एसी कोच। और ये नॉर्मल ट्रेन आ चुकी है, हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग और यहाँ हमारी जर्नी समाप्त होती है। और हम पहुंचे हैं 6:35 पे, जो कि बहुत लेट है। हाँ जी, तो ख़त्म हो चुकी है हमारी टॉय ट्रेन की जर्नी और मैं चाहता हूँ कि एक बार तो सबको ही करनी चाहिए। आप लोग बताइएगा कैसी लगी। Get on my head.